सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। किसी व्यक्ति ने यहाँ पे लिखा था कमेंट में और बहुत अच्छा सवाल था कि सर हील पेन के लिए भी कोई दवाई होम्योपैथी में जो है वो बताएं, हील पेन का कारण क्या है वो बताएं। तो हील पेन के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ बहुत जल्दी में ऐसे ही मोबाइल से शूट करके आपके दे रहा हूँ। हील का पेन होने का कारण यानी सोल्स में जो पेन होता है उसका कारण क्या है समझ लीजिए। पहले हील्स में पेन होने का जो मेन कारण है वो है स्पर, हील स्पर। अब हील स्पर क्या होता है? हील स्पर एक तरह का कैल्शियम डिपॉजिशन है, फाल्स कैल्शियम डिपॉजिशन आपकी जो हील की बोन है उस पर हो रहा है। दूसरा जो प्लांटर फेसाइटिस है, ये एक और कंडीशन है जिसमें जो प्लांटर जो पैर के जो तलवे हैं, तलवे के नीचे जो मांसपेशियां हैं उसके जस्ट अंदर की तरफ फेसिया की कवरिंग होती है। मांसपेशिया के पास ऊपर पे फेसिया की कवरिंग होती है। फेसिया एक तरह का फैट लेयर है, उसकी कवरिंग होती है। इस कवरिंग में इंफ्लामेशन यदि आने लग जाए तो दिस कंडीशन इज नोन एज फेसाइटिस। तो प्लांटर फेसाइटिस एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन है वो है हील स्पर। इन दोनों की वजह से जो पेन होता है वो हील का पेन होता है। और तीसरा पेन हील के यानी के पीछे की तरफ होता है, एड़ी के पीछे की तरफ उसमें होता है, वो टेंडो एकेलिस का पेन है। एकेलिस टेंडन जो बड़ी बिग मसल है उसका पेन है। तो टेंडो एकेलिस, प्लांटर फेसाइटिस और हील स्पर, ये तीन कंडीशन होती है जिसकी वजह से पेन जनरेट होता है। इन तीनों के लिए मैंने मेडिसिन आपको कॉमनली बताई हुई है पहले वीडियो में, लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। पहली ड्रग है कैल्केरिया फ्लोर 3x 4-4 गोली सुबह शाम। दूसरी ड्रग है रूटाजी 30 4-4 गोली सुबह शाम, दो दो बूंद सुबह शाम की मात्रा में। और तीसरी ड्रग है जो आपको रेगुलर करनी है वो होम्योकैल टैबलेट, एक गोली सुबह एक गोली शाम। ये होम्योपैथी में कैल्शियम की टैबलेट है। और एक ड्रग विटामिन डी की कैप्सूल, विटामिन डी प्लस के नाम से आती है, एक कैप्सूल रोल। ये आप रेगुलर कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी आपके हील पेन से आराम लग जाएगा। दूध अच्छे से पीते रहें, विटामिन सी की टैबलेट्स लेने की जगह विटामिन सी नींबू वगैरह लें, नींबू संतरा मौसम्बी इस तरह की चीज़ें लें तो आपको बहुत जल्दी आराम होगा। छोटा सा वीडियो था जानकारी के लिए मैंने आपको दिया, क्योंकि ये सवाल आया हुआ था और मैं अब से जब भी ऐसे कोई कमेंट आते हैं तो मैं उसका तुरंत वीडियो एक अपलोड कर दिया करूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कर लेना।